इलेक्शन कमीशन ने दो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिले। बात करेंगे इस पर नुमाइंदा खसूसी ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। ज़ुल्करनैन अपडेट कीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की मांगने के ऊपर, जिसने इलेक्शन मौका अपनाया है कि 27 अप्रैल तक जो फंड फराहम करने का हुक्म दिया गया था उसके तहत इलेक्शन कमीशन को अभी तक फंड नहीं मिले, और इससे इलेक्शन कमीशन में आगे उनको किस हवाले से मुश्किल होंगी इंतखाबात के निकाज में उसको भी हमारे जराये बता रहे हैं कि जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बैलेट पेपर की प्रिंटिंग समेत दीगर जो एक्सपेंसिज इलेक्शन कमीशन की जानेब से किए जाते हैं उनके हवाले से तफसीलात भी इस रिपोर्ट में, जो गुज़िश्ता रिपोर्ट का भी हिस्सा बनाई गई थी उनको भी इसके साथ दोबारा से रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 27 अप्रैल तक जो फंड फराहम करने का हुक्म दिया गया था उसके तहत इलेक्शन कमीशन को अभी तक फंड नहीं मिले, और इससे इलेक्शन कमीशन में आगे उनको किस हवाले से मुश्किल होंगी इंतखाबात के निकाज में उसको भी हमारे जराये बता रहे हैं कि जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बैलेट पेपर की प्रिंटिंग समेत दीगर जो एक्सपेंसिज इलेक्शन कमीशन की जानेब से किए जाते हैं उनके हवाले से तफसीलात भी इस रिपोर्ट में, जो गुज़िश्ता रिपोर्ट का भी हिस्सा बनाई गई थी उनको भी इसके साथ दोबारा से रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया ज़ुल्करनैन।